इरफान पठान पर क्या बोला, दीपक चौरसिया को लोगों ने हड़काया। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने जब से देश के हिंदू मुसलमान वाले हालात पर अपनी बात बेबाक देश के आगे रखी, तब से लगातार वो ट्रोलर्स का सामना कर रहे हैं। लेकिन दीपक चौरसिया जैसे गोदी एंकर भी उन ट्रोलर्स की कैटेगरी में आ गए तो लोगों ने उन्हीं को आईना दिखा दिया। शराब के नशे में धुत होकर देश के शहीदों की शहादत की खिल्ली उड़ाने वाले दीपक चौरसिया की उनके चैनल से जब से छुट्टी हुई है, उनके ट्विटर वाली गोदीगिरी परवान पर है। इस बार इरफान पठान के ट्वीट्स पर दीपक चौरसिया ने कहा, गुजरात में चुनाव है और इरफान पठान ने लोकतंत्र और संविधान की बातें करना शुरू किया, दया कुछ तो गड़बड़ है। दीपक चौरसिया ने इरफान पठान के बयान को चुनाव से जोड़ा तो लोगों ने उन्हीं को आईना दिखा दिया। पत्रकार पुनीत कुमार ने कहा, वाह भाई वाह, संविधान की बात कर दी तो गड़बड़ है और हिंदू मुसलमान हिजाब पाकिस्तान की बात करी तो देश प्रेमी, कभी कभी अपना धर्म भी निभा लिया करो। इरफान पठान ने अपना धर्म निभाया। वहीं व्यंगकार राजीव ध्यानी ने कहा, इसमें गड़बड़ क्या है चौरसिया बाबू, चुनाव के समय लोकतंत्र और संविधान की बातें ही होंगी। तुम और तुम्हारे आका चाहते हैं कि खून खराबे, दंगे और नफरत की बातें हों। वैसे तुम्हारी दिक्कत लोकतंत्र से है, संविधान से है, या पठान से है, या फिर तीनों से है। सामाजिक कार्यकर्ता विपिन ने तो दीपक चौरसिया को पेन किलर लेने की सलाह दे डाली। आपको याद होगा जब दीपक चौरसिया पर शराब के नशे में एंकरिंग करने के आरोप लगे थे तो उन्होंने इसे पेन किलर की ओवरडोज करार दिया था। वहीं एक और यूजर शौकत मेहर ने कहा, इरफान पठान ने देश को वर्ल्ड कप जिताया है, पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक दिलाई है और कई मैच अपने दम पर जिताए हैं, पर आपने इस देश के लिए कौन सा योगदान दिया, जरा बताना पत्रकार महोदय, संविधान की बातें करना आपको गड़बड़ लग रहा है, कुछ तो शर्म करो। पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने कहा, लोकतंत्र और संविधान की बात करना भी अगर किसी पत्रकार को गड़बड़ लगे तो समझ जाओ वो पत्रकारिता नहीं, सरकार की दलाली करता है। जहां एक तरफ दीपक चौरसिया को लोगों की मुंह की खानी पड़ी, वहीं अब भी लोग इरफान पठान की तारीफ कर रहे हैं। पत्रकार रोहिणी सिंह ने इरफान पठान की तारीफ करते हुए कहा, जब हमारे समय का इतिहास लिखा जाएगा तब इरफान पठान एक ऐसे सेलिब्रिटी के रूप में याद रखे जाएंगे जिन्होंने उस वक्त बोलना चुना जब चुप रहना ज्यादा सुरक्षित था। हमारे खूबसूरत देश को और ऐसे इरफान पठान चाहिए। आप इरफान पठान को ट्रोल करने के चक्कर में खुद ट्रोल हुए दीपक चौरसिया पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।